खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सीएम केजरीवाल ने खराब होती हवा के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन कहना मुश्किल है कि इसका कितना फायदा होगा। बाहर से जो धुआं आ रहा है, उस धुएं की वजह से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की स्थिति बिगड़ती जा रही है, और मैं सभी सरकारों से फिर से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्लीज़ इसके बारे में कुछ कीजिए। और मैं सभी संस्थाओं से भी, सुप्रीम कोर्ट से, एनजीटी से, सभी संस्थाओं से निवेदन करता हूं कि इसके बारे में कुछ कीजिए ताकि लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर असर ना पड़े। हमारे लेवल पे जैसा आप जानते हैं, ऑड इवन तो परमानेंट नहीं हो सकता, मैक्सिमम 10-15 दिन तक होता है, तो वो 4 से 15 नवंबर हम लोगों ने डिसाइड किया है, वो एक ही बार कर सकते हैं, अभी कर लें या बाद में। अभी तो जो आप देख रहे हैं ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले समय में अखबार भी कह रहे हैं, रिसर्च भी कह रही है कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से लेके मिड नवंबर तक ये बढ़ेगा। तो दिल्ली में सरकार किसी की भी रही हो, वो हमेशा यही शिकायत करती है कि जो प्रदूषण दिल्ली का है वो दरअसल पड़ोसी राज्यों से ज्यादा आता है, चाहे वो पराली का हो या फिर वाहनों का हो। इसीलिए एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत हरियाणा के करनाल के खेतों में पहुंचे, किसानों से मिले, ये समझाने की कोशिश की कि आखिर क्यों किसान सरकारी और कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे और लगातार पराली जला रहे हैं। एक और दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हरियाणा के अलग अलग जिलों में पराली काफी जोर शोर से जलाई जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं स्थानीय, जो दयालपुर का ये इलाका है और इस पे ये पराली जलाई जा रही है यहाँ के खेतों में। क्यों ये पराली जलाई जा रही है, पराली कम काम कैसे, देखो इतने इतना ये पूछता है, ये कहाँ पे ठीक है सर, हमारे ठीक है जमीन हमारी है, कोई इतना इतना खर्चा, इतनी फसल भी नहीं हुई, अब तो इतनी उसको हम कहीं कर लेंगे समाधान होते कर भी दें। आप लोगों को जानकारी है कि सरकार ने पराली जलाने पर बैन लगा रखा है? सर बैन तो था, पर इस बार तो कह रहे थे भी चलो भी लोग कह रहे थे भी इस बार तो नहीं है बैन, भी इतना पता छूट होगी, इधर के लोग लगा रहे हैं, ये सब जो लोगों ने लगा रखी पहले भी हम तो। आप लोगों को जानकारी पूरी है कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ता है और ये माना जाता है कि पराली उस प्रदूषण के बढ़ने का एक बड़ा कारण है? सर ये जिम्मेदार के ऊपर तो प्रदूषण की बात करते हैं, जो इतने बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही है, इनका प्रदूषण कहाँ जाता है, इनका प्रदूषण कोई चक्कर नहीं है, जिम्मेदार को सब कहते हैं अभी प्रदूषण है प्रदूषण है, जो इतने इतने बड़े व्हीकल हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इनका भी तो प्रदूषण होता है जी, इनका प्रदूषण क्यों होता है। तो ये जो इस समय यहाँ पर पराली जलाई गई है, ये कब से यहाँ पर आप लोगों ने ये शुरू किया है? इधर आ जाइए, आँच बहुत तेज लग रही है क्योंकि चारों ओर से पराली जल रही है। ये हमारा एक ही एकड़ है, ये कब लगाई है आज? 15 मिनट हो गए अभी, 15 मिनट कितना टाइम लगेगा इसको पूरी जलने में? 15 मिनट और ये पूरा खेत 10-15 मिनट जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जिस आग के इर्द गिर्द आसपास ये पूरी आग लगी हुई है, धुएं के बीच में हम खड़े हैं, आँच यहाँ तक आ रही है क्योंकि चारों ओर आग लगी हुई है। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पराली का धुआं है ये किस तरह से नुकसानदेह है, हम यहाँ से ये धुआं से कम हो रहा है। और ये स्थिति होती है कमोबेश दिल्ली की, जब पूरे हरियाणा के अलग अलग ज़िलों के लाखों जो खेत हैं वहाँ से पराली का ये धुआं दिल्ली की ओर बढ़ता है, तो दिल्ली का जो पहले से ही दम घुट रहा है वो और घुटने लगता है। कैमरामैन रवीश के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़।